अबूज़बिल्ल हमीशा रज़ीम बिस्मिल्लर रबरखली रब सदरी वसरली अमरी वखल़तमिल्लिसानी यफ़ाहू कोली असलमकुम सुरफ़ुर्कान के पहले सबक में हमने सूर्य फुरकान के अहम मज़ामिन पर बात की थी आज हम सरा फुरक़ान में अल्लाह अल्ला ताला की अज़मत का जो बयान है उसके बारे में बात करेंगे सरय फुरकान में अल्लाह तबारक व ताली की अज़मत का बयान है कैसे कैसे अल्लाह की अज़मत को इस सूरत में बयान किया है तो सबसे पहले नंबर एक शुरय फ़ुरकान में ये बताया गया है कि अल्लाह की बादशाही ज़मीन व आसमान में है यानी अल्लाह की ममलकत अल्लाह की सुल्तनत अल्लाह की बादशाही ज़मीन पर भी है और आसमानों में भी है तो अल्लाह बहुत अज़ीम हैं जिन बादशाही ज़मीन व आसमान पर मुहित है दूसरी जो दलील अल्लाह तबारक व वताल की अजमत के बारे में दी गई है वो ये है कि अल्लाह की सल्तनत तो व बादशाही में उसका कोई शरीक नहीं है उसका कोई पार्टनर नहीं है अल्लाह को ये कायनात की ज़मीन व आसमान की जो बादशाही और सल्तनत है उसको चलाने के लिए किसी शरीक की किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है वो लाश है वो अकेला है वह तन है जो इस पूरे नज़ाम कायनात को चला रहा है तीसरी दलील जो दी गई है शरा फुरकान में वो ये है कि हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है जितनी भी कायनात में चीज़ें हैं वो सारी की सारी अल्लाह की तख्लीक करदा हैं और हर शह की कदर व कीमत और उसकी तकदीर भी अल्लाह ने बनाई है यानी हर चीज़ की एक वैल्यू उसकी कम्पोजिशन उसका तनासब उसकी उम्र उसकी खसूसियात उसके करेक्टरस्टिक्स सब के सब अल्लाह तबारक वाली ने बनाए हैं अल्लाह बहुत ही अज़ीम हैं उन्होंने हर चीज़ को भी बनाया है और हर चीज़ की कदर व कीमत उसकी वैल्यू और उसकी तकदीर भी बनाई है चौथी दलील अल्लाह तबारक व ताल कीत के हवाले से शुरह फुरकान में यह बयान किया गया है कि अल्लाह ज़मीन और आसमान और उनके दरमियान के तमाम राजू को जानता है ज़मीन व आसमानों के दरमियान जितने राज हैं जितनी खुफिया बातें हैं जिनको इंसान नहीं जान सकता और हर चीज़ जो है वो अल्लाह के सामने अँ है अल्लाह तमाम राज़ों को तमाम भेदों को जानने वाली हस्ती है नंबर पाँच अल्लाह की आज़मत यह है कि वह हकीकी बादशाह और हुमरान वही अल्लाह ये दुनियावी बादशाह जितने भी हैं ये कुछ अरसे के लिए आते हैं और फिर हुकूमतें करके चले जाते हैं और एक महदूद इलाके में एक महदूद वक्त के लिए हुक्मरानी करते हैं लेकिन अल्लाह हकीकी हुक्मरान है और उसी की हुमरानी हकीकी है लामहदूद है किसी वक्त की पाबंद नहीं किसी जगह की पाबंद नहीं और किसी ख़ास इख्तियार की पाबंद नहीं है अल्लाह हकीकी बादशाह है हकीकी हुक्मरान है और वो हर चीज़ का हुक्मरान है हर वक्त का हुक्मरान है हर ज़माने का हुक्मरान है और पूरी कायनात पे उसकी हुक्मरानी है नंबर छः वो पैगम्बरों को जुटलाने वालों और नाफ़रमानों को सख्त सज़ा और अजाब देता है वो जब पैगम्बर इससे पहले भी आए हैं नबी करीम आए हैं इनको जुटलाने वाले नाफरमान उनको अल्लाह ये इख्तियार रखता है उसकी अज़मत में यह है कि वो उन अपने पैगम्बरों को जुटलाने वालों को सज़ा भी देता है और उन्हें अजाब भी देता है इससे पहले की जो उम्मतें थीं इससे पहले की जो कौमें थीं जिन्होंने अपने नबियों को नहीं माना जिन्होंने अपने नबियों की नाफरमानी की उन्हें तरह तरह की सज़ाएँ दी गई हैं तो ये अल्लाह जो है वो इख्तियार रखता है कि वो अल्लाह अपने पैगम्बरों की जो लोग नाफरमानी करते हैं अल्लाह उनको सज़ा भी दे और उन्हें अजाब भी दे नंबर सात पे अल्लाह तबारक व ताली की अज़मत के बयान में ये फरमाया गया है कि वह साए को फैलाता और सकीरता है साय को फैलाना और सकेरना बाज़ायर तो एक छोटी सी बात लगती है लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें आप देखते हैं कि सा कैसे फैलता और कैसे सिकैरता है ज़मीन जब सूरज के गिरद घूमती है तो इससे साए जो हैं वो लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं सुबह के वक्त साया लंबा होता है दोपहर तो को साया छोटा होता है और शाम के वक्त साया फिर लंबा होता चला जाता है तो बाजार तो साए के फैलने और सिकड़ने का की बात जो है आम सी बात लगती है लेकिन अगर हम गौर करें तो इसमें बहुत बड़ी हकीकत है कि साआ जो फैलता और सुखड़ता है तो उसमें एक पूरा निज़ाम शमसी और ज़मीन के घूमने का और ज़मीन की मैवरी गर्दश का और फिर पूरे कायनात के अंदर जो मुख्तलिफ़ फ़ोर्स अमल कर रही हैं ये तमाम के तमाम फोर्स का यहाँ पर जिक्र हो गया है यानी सिर्फ साय को सकेरना और फैलना एक मामूली बात नहीं है इसके पीछे पूरा एक निज़ाम है तो इस निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह तला ही हैं नंबर आठ वो ज़मीन और सूरज को मुतहरक रखता है और उन्हें रुकने नहीं देता दायरा के साय जो फैलते हुए करते हैं इसमें ज़मीन भी और सूरज भी मुतहरक हैं पूरी गलेक्सी हमारी जो कैक्शियाँ है वो मुतहरक है पूरी कायनत हमारी मुतहरक है तो इस हरकत को अगर ये एक लमहे के लिए भी रुक जाए ज़मीन एक सेकेंड के लिए भी अगर रुक जाए तो वो अपना रास्ता जो है वो खो देगी अपने आर्बिट से हट जाएगी और सूरज के अंदर गिर जाएगी तो इस ज़मीन और आसमान को मुतरक रखना और उन फोर्सेस का और उन उन कुवतों का इंतज़ाम करना ये अल्लाह ही के इखतीय में है अल्लाह बहुत अज़ीम है कि जिन्होंने ज़मीन और आसमान को मुतरक रखा हुआ है और पूरा एक निजाम जो है उसको चलाए हुए हैं नंबर नौ अल्लाह ताली की अज़मत यह है कि अल्लाह ही ने रात को परदा बनाया नींद को सुकून बनाया और दिन को उठ खड़े होने के लिए बनाया सूर्य में कान बताया गया है कि अल्लाह ने रात को पर्दा बनाया है अल्लाह ने रात को लिबास बनाया है और रात की जो नींद है उसको सुकून बनाया है और दिन को और सुबह को उठ खड़े होने के लिए बनाया है आज की साइंस ये बात मानने के लिए तैयार है और आज की साइंस ये बात सबत कर चुकी है कि नींद बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पर रात की नींद जो है वह इनतई ज़रूरी है हमारा दिमाग जो पूरा दिन काम करता है हमारा जिसम जो पूरा दिन मुतारक रहता है जिसको आराम और सुकून की ज़रूरत होती है हमारे दिमाग को रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है हमारे दिमाग के अंदर मुख्तु किस्म के जो केमिकल्स पैदा होते हैं रात को नींद के दौरान वो कैमिकल जो हैं वो जहरीले केमिकल ख़त्म होते हैं और नींद के बाद इंसान रिचार्ज हो जाता है और दोबारा एक नई जिंदगी के लिए और एक नए दिन के लिए तैयार हो जाता है तो आज का जो जदीद दौरा है जिसमें रातों को हम जागते हैं और दिन को बहुत देर से उठते हैं यही वजह है कि हमारी सेहतें भी ख़राब हो रही हैं और हमारा सुकून भी बर्बाद हो रहा है और हम जल्दी ग़ुस्से में भी आ जाते हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि रात को हम नींद पूरे तरीके से नहीं करते तो नींद बहुत ज़रूरी है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ने इसे बयान किया है ये एक मामूली बात होती तो कुरान में इसका जिक्र ना होता तो रात को अल्लाह ने पर्दे के लिए बनाया लबास बनाया इसे सुकून के लिए बनाया और दिन काम के लिए बनाया है और सुबह उठने के लिए बनाया है अल्लाह वाकई ही बहुत अजीम है नंबर दस वही है वही हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है वही हवाओं को खुशखबरी बना कर भेजता है जब बारिश होती है उससे पहले हवाएं चलती हैं आप देखते हैं कि गर्मी होती है गर्मी से पहले हवा चलती है और फिर बारिश बरसती है तो ये हवाओं का चलाने के लिए एक पूरा एक निज़ाम है इस निज़ाम को चलाना ये अल्लाह ही के अख्तीार में है अगर वो इन हवाओं को ना चलाए और खुशखबरी न दे तो इस ज़मीन के ऊपर जितना भी निज़ाम है वो ख़त्म होकर रह जाए तो वो ही है जो हवाओं को चलाता है और हवाओं को खुशखबरी बना कर भेजता है कि अब बारिश आने वाली है अब हालात जो हैं बदलने वाले हैं नंबर ग्यारह वो वही है जो आसमान से पाक और साफ पानी बरसाता है ये पूरा एक साइकिल चलता है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं समुद्रों से बखार बन के हवा में जाते हैं हवा के अंदर ठंडे होते हैं और वहाँ से वापस बारिश की शक्ल में बर्फ़ की शक्ल में ओलों की शक्ल में वापस ज़मीन पर आते हैं और ये पानी जो है वह साफ सुथरा पानी होता है बारिश का तो ये अल्लाह ही है जिसने ये निज़ाम बनाया है जिससे पाक और साफ पानी आसमान से बरसता है और इस पाक और साफ पानी से इंसान और जानवर और पौधे और जितनी भी जीरो अशिया हैं वो सारी की सारी उनको दोबारा से ज़िंदगी मिलती है वो तरोताज़ा हो जाते हैं पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकन है ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी इसीलिए मुमकन है कि यहाँ पर बारिश बरसती है यहाँ पर पानी मौजूद है अगर पानी यहाँ मौजूद ना होता तो ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होकर रह जाती नंबर बारह वो मुर्दे से ज़िंदा पैदा करता है ज़मीन जब मुर्दा होती है उसके ऊपर बारिश बरसती है उसे सब्ज़ा निकल आता है इसी तरह ये इंसानों के लिए वो अकल शहूर को इस्तेमाल करने का दर्श देता है और वो देख तो कहता है कि देखो कि कैसे मुर्दा से ज़िंदा अल्लाह ने निकाले हैं तो अल्लाह बहुत अजीम है जो मुर्दा ज़मीन से जिंदा चीज़ जो है वो सरसब्ज शादाब कर देता है नंबर तेरह वो अल्लाह ही है जो जानवरों और इंसानों की प्यास बुझाता है अल्लाह ही इस पानी के ज़रिए जानवरों की भी प्यास बुझाता है और इंसानों की प्यास भी बुझाता है और इंसान जो है ज़ाहिर है कि प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता तो ये अल्लाह ही है जिसने इस पानी का इंतज़ाम किया है वो ये अल्लाह ही है जो हमारी प्यास बुझाता है नंबर चौदह उसने दो समुद्रों को एक दूसरे के साथ साथ रखा उसने दो समुद्रों को एक दूसरे के साथ साथ रखा है जिनमें से एक मीठे पानी का है जबकि दूसरा कड़वे और खारे पानी वाला समुद्र ऐसे अब दरिया हो चुके हैं और समुद्र ऐसे मालूम हैं कि जिसमें एक तरफ खारा पानी है कड़वा पानी है जबकि दूसरी तरफ जो है साथ ही साथ मीठे पानी का समुंदर है दरिया है और इनके दरमियान एक पर्दा जैसे अल्लाह ने हायल कर दिया है और ये मीठा और खारा पानी जो है वो आपस में मिलते नहीं हैं तो ये अल्लाह ही की शान है ये अल्लाह ही की अजमत है कि पानी जो बिल्कुल एक जैसी चीज़ है दो मुख्तलिफ किस्म की जो पानी है वो एक साथ समंदर में रहते हैं चलते हैं नंबर पंद्रह वल्ला ही है जिसने हसब नसब बनाए अल्लाह ने दो तरह के रिश्ते बनाए एक वालद की तरफ से जिन्हें अली रिश्ता कहते हैं दादा पर दादा की तरफ से बाप दादा पर दादा का एक रिश्ता है और दूसरा जो है माँ की तरफ से ससुराली जो रिश्ता होता है वालिद का जो ससुराल होता है वह बच्चों का नयाल होता है तो ये नाना नानी ना मामू खाला ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं तो अल्लाह ही है जिसने ये दोनों तरह के जो रिश्ते हैं वो बनाए हैं वालद की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी और ये जानू रिश्ते बहुत प्यारे हैं नंबर सोलह वो अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत वाला है अल्लाह कदीर है अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है अल्लाह जो चाहे करता है अल्लाह हर चीज़ जो है उसको बनाता भी है उसे चलाता भी है उसे ख़त्म भी करता है और उसकी जगह नई चीज़ें भी बनाता है अल्लाह बहुत कुदरत वाला है इस पूरे निज़ाम कायन को चला रहा है वो कदीर है नंबर सत्रह वो अल्लाह ही है जिसने सल्लम को खुशखबरी देने वाला और खबरदार करने वाला बना कर भेजा नबीम को इस दुनिया में रहमत रमतमीन बनाकर भेजा उन्हें खबरदार बनाकर भेजा उन्हें खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा तो ये अल्लाह की अजमत है कि उसने इतने अजीम नबी को इतने अज़ीम पैगाम के साथ इंसानों की बेदरी के लिए इंसानों की भलाई के लिए इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए उन्हें भेजा है तो ये अल्लाह की अजमत है कि उन्होंने उसने तमाम पैमरों को भेजा और सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत महमद्लम को इस दुनिया में भेजा नंबर 18 अल्लाह ताला की अज़मत का हम बयान कर रहे हैं तो अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहेगा उसे कभी मौत नहीं आएगी जो भी चीज़ ज़िंदा है वो मर जाएगी हर ज़िंदा चीज़ जो है उसने एक एक दिन मर जाना है लेकिन अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा उसे कभी मौत जो है वो नहीं आएगी तो ये भी अल्लाह ताला की एक अजमत है कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहेगा और उसे कभी मौत नहीं आएगी नंबर उन्नीस हम अल्लाह की अज़मत को बयान कर रहे हैं वह अपने बंदों के गनाहों से बखबर रहता है अल्लाह बहुत अज़ीम है उसे मालूम है कि मेरा कौन सा बंदा जो है वो क्या गना कर रहा है क्या गलती कर रहा है तो अल्लाह उससे बहुत बखबर है और बहुत रहीम और करीम है गफूर और रहीम है कि वह गन्हों से बखबर होने के बावजूद वह इंसान को सज़ा इस दुनिया में नहीं देता नंबर बीस उसने ज़मीन आसमान और जो कुछ उनके दरमियान में है उसे छः दिनों में पैदा किया ये अल्लाह की अज़मत है कि उसने ज़मीन को भी और आसमानों को भी और जो कुछ ज़मीन व आसमान के दरमियान है उसे छः दिनों में पैदा किया यानी छः अधार में पैदा किया और इस तरह ये कायनात वजूद में आई और ये ज़मीन व आसमान बने नंबर इक्कीस अल्लाह ने आसमानों में सतारों के बर्ज बनाए ये जो आसमान में सतारे हैं आसमान में जो बुरज हैं ये अल्लाह नहीं बनाए हैं ये किसी और ने बना नहीं बनाए अल्लाह का कोई शरीक नहीं है अल्लाह का कोई साजी नहीं है अल्लाह की आजमत का बयान हम कर रहे हैं अल्लाह ने आसमान में रोशन सूरज बनाया ये जो, जो सूरज है सराजम सराजन इसे कहा गया है यानी चमकता हुआ दिया इसमें भी एक बहुत बड़ा राज है कि इसको देखें कि इसको रोशन सूरज या चिराग कहा गया है चिराग की अपनी रोशनी होती है यानी वो किसी से रोशनी नहीं लेता तो सूरज की अपनी रोशनी है ये अल्लाह की अजमत है कि उसने ये सूरज तख्लीक किया अल्लाह ने आसमान में चमकता हुआ चाँद बनाया अब ये चाँद जो है उसे कहा गया कि ये मनीरा, कमरन मनीरा यानी चमकता हुआ चांद है अब ये जो चमकना है इसका ये सूरज के बरअक्स अपनी रोशनी से नहीं चमकता बल्कि ये सूरज की रोशनी से चमकता है दो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सूरज के लिए सराजन कहा गया है और चांद के लिए मुनीरा कहा गया है यानी सूरज की अपनी रोशनी है और चांद जो है वो रोशनी से दूसरों की रोशनी से चमकता है जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो चमकता है नंबर चौबीस पे अल्लाह ताला की अजमत का बयान है अल्लाह ने दिन और रात बनाए जो एक दूसरे के पीछे आते हैं अल्लाह ने दन भी बनाया रात भी बनाई अब ये रात और दन का बनना हम जानते हैं जो लोग साइंस पढ़ते हैं जो लोग जोग्राफी पढ़ते हैं कि दिन और रात इस वजह से बनते हैं कि सूरज के गर्द जब ज़मीन घूमती है तो वो अपने मैवर के ग घूमती है जो सूरज जो ज़मीन अपने मैवर के गर्द घूमती है उससे दन और रात बनते हैं और जो सूरज के गर्द घूमती है उससे मौसम बनते हैं दन लंबे और छोटे होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी हमत की बात की गई है कि अल्लाह वो अजीम है वो अजीम ज़ात है कि जिसने दिन और रात बनाए और ये दिन और रात एक दूसरे के पीछे आते हैं एक दूसरे के बाद आते हैं नंबर पच्चीस अल्लाह गनाहों को नेकियों में बदल सकता है अल्लाह वो ज़ात है वो हस्ती है कि जो गनाहों को नेकियों में बदल सकती है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है अल्लाह जब किसी की तोबा कबूल करता है तो फिर उसकी नेकियां जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं उसके गाह बख्श दिए जाते हैं अगर वो तोबा तो नसू करे अगर वो ऐसी तोबा करे कि आइंदा के लिए वो किसी किस्म के गनाहों से बिल्कुल अलग हो जाए और इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह के इख्तियार में है कि वो गनाहों को नेकियों में बदल दे तो ये था आज का मौजू जिसमें हमने अल्लाह की अज़मत का बयान किया है अल्लाह की वो अजमत हमने बयान की है जो सूरह फुरकान में बयान की गई है सूरफ अरकान में ये पच्चीस ऐसे नकात हैं जिससे ये जाहिर होता है कि अल्लाह कितने अजीम हैं बाकी सूरतों में अल्लाह की अज़मत के और बयान हैं लेकिन हमने जिन बातों को बयान किया है वो सिर्फ सूरफ और की रोशनी में है तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस अल्लाह के बंदे हैं हम जिस अल्लाह के की इबादत करते हैं वो कितना अजीम है तो ये था आज का सबक मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तोहफ़े का फरमाए अल्लाह ताला हमारे इल में इजाफ़ा करे आप इस सबक को फिर देखिए और इनको समझने और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए यह तर्ज मतलान का मज़मून है जमात नहम के लिए और आज हमने बात की है अल्लाह तला की जमत मुझे उम्मीद है कि आपको ये इसबाक पसंद आ रहे होंगे ये तालीम मंजिल चैनल है जिसमें हम मुख्तलिफ मौजूदा पर बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारा सिलेबस है जो हमारा कोर्स है उसके मुताबिक हम बात करते हैं इस चैनल में बहुत सारे दीगर मजामी के इस्बाक में मौजूद हैं फिज़िक्स है केमेस्ट्री है, है बयाोलॉजी है और जोग्राफ़ी है इस्लामियात है तर्जम्मतलन है सियासियात है सिविक्स है हिस्ट्री है और दीगर बहुत सारे मजामी पर इसमें बात है आप इस चैनल को लाइक भी कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए आप इसकी प्ले लिस्ट में जाइए और आप अपने मर्जी का और अपनी पसंद का और अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उस प्ले लिस्ट में इंतख्या कीजिए उस मजमून का और उसके अंदर आपको उससे मतलब लेक्चर मिल जाएगा अल्लाह हम सब हाम हीसर हो अगले सबक तक अल्लाह हाफिज फ़ी अमान